बिहार में चमकी बुखार के करीब 200 बच्चों की जान के जाने के बाद बिहार और केंद्र सरकार अब हरकत में आई है। बिहार के साथ ही यूपी में भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई होने से छात्र संगठन डीएसओ सहित इससे जुड़े संगठनों ने हनुमान चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जमकर खिंचाई की। इसके साथ ही बिहार में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज में बरती जा रही कोताही पर भी अपना अफसोस जाहिर किया। डीएसओ से जुड़े संगठनों ने इसके सदस्यों ने कहा कि बिहार में चमकी बुखार में अब तक 200 बच्चों की जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इसके बाद भी राज्य की नीतीश सरकार चुपचाप तमाशा देखने में लगी हुई है। इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों के इलाज में भारी लापरवाही बरती जा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार भी बच्चों की जिंदगी बचाने ठोस निर्णय लेने की जगह मूक दर्शक बनी हुई है। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार में हम देख रहे हैं चमकी बुखार यानी एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम के चलते लगभग 150 से 200 बच्चे इसकी मौत के शिकार हुए हैं। अलग अलग जिलों में 600 से ज़्यादा बच्चे इसके शिकार हैं और ये बुखार बिहार में आया है, लेकिन बिहार की प्रशासन, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से माने लचर है, लापरवाही बरत रही है बच्चों के इलाज में और बच्चे तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। ये सारी स्थिति पूरे देश भर में ही है, कहीं कोई तैयारी नहीं है। बच्चे कहीं भी बीमार होते हैं, लोग बच्चे लगातार मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन के अभाव में मरे थे, यहाँ पर भी। तो हम सभी जगह ये मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ दुरुस्त की जाए ताकि लोगों को इलाज मुहैया हो सके। तो इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि बच्चों को उचित इलाज दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकारें इसकी जिम्मेदारी लें, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ज़रूरत पड़ने पर विभिन्न संस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे निपटने के लिए तैयारी करें, मदद लें। हम इसके लिए ये